नमस्कार, जय जोहार। भीषण गर्मी के बीच में जो है छत्तीसगढ़ का हाल दिखा रहा हूँ। मानसून का इंतजार किया जा रहा है, न मानसून समय पे आ रहा है, न सरकार जो वादा की थी वो समय पे पूरा हो पा रहा है। सच्चाई यही है ना? बिल्कुल ठीक है सच्चाई। तो हाल कैसा बेहाल है छत्तीसगढ़ के अलग अलग लोगों का, वो मैं लगातार दिखा रहा हूँ। कर्मचारी संगठनों के तरफ से लगातार जो है रायपुर पहुँच के धरना आंदोलन चल रहा है। आज भी छत्तीसगढ़ के भीतर में जो है एक संघर्ष का साझा मंच जो है आयोजित किया गया है और इसे नाम दिया गया है महापड़ाव का। तो इस महापड़ाव में आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता प्रदेश भर से आज जो है जुटी हैं और उनका हाल जानते हैं। तो हाल का है भीषण गर्मी के बीच? हाल तो बेहाल ही है, और जो सरकार आई है उसके राज्य में तो और बद से बदतर हो गई हमारी जिंदगी। हमारी सिर्फ एक मुख्य मांग है हमारी कि शासन जो कलेक्टर दर के वादा किए थे वो वादा के अनुसार हमारी कलेक्टर दर कर दे, जब तक हम शासी कर्मचारी नहीं हुए हैं तब तक के। और इतनी चिलचिलाती धूप में, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारी दूर दूर से बहनें आई हुई है कि उनको किसको शौक रहता है कि हम भी पंखा में रहे, कूलर में रहे, आराम करें। तो लेकिन इतनी तकलीफ है, 6,500 में हमारे परिवार नहीं चल रही है, इतने तकलीफ में गुजर रहे हैं हम। ऊपर से हमको इतना सारा काम दिया जाता है कि वो 6,500 भी वो काम को हमको ही निपटाना पड़ता है। इसलिए शासन से अनुरोध करते हैं कि हमारी कुछ भी, हमारी इतनी गर्मियों में इतनी तकलीफ में बहनों को देखते हुए कुछ भी संवेदनशीलता दिखाते हुए हमारी कलेक्टर दर मांग को पूरा करें। नहीं तो लेकिन पहले भी तो आंदोलन आप लोग किए थे, कुछ आश्वासन मिला था, फिर आ गए हैं एक बार जो है संघर्ष का साझा मंच लेकर के महापड़ाव। ये महापड़ाव में क्या है जी? महापड़ाव इसलिए हम लोग क्यों, क्योंकि इसके पहले भी हम लोगों ने तीजा के दिन भी हड़ताल किए और भी अपनी मांगों को बार बार हड़ताल के माध्यम से शासन तक पहुंचाते जाते। लेकिन इस बजट में हमको पता चला कि शासन हमको एक रुपए भी नहीं दी है और सब इतना लड़ाई तो के अपने शासन के ऊपर देख रहे थे, लेकिन इतनी नाराजगी हमारे प्रदेश भर की बहनों में, 1,00,000 से ज्यादा संख्या हमारी बहुत नाराजगी व्यक्त कर रही है। अब सोच रहे हैं कि हम महापड़ाव इसीलिए किए हैं, शासन हमारी 2 दिन के महापड़ाव हमारी मांग पूरी कर दे, नहीं तो हम 2 दिन का मतलब 7 जुलाई से 11 जुलाई तक 5 दिन का करेंगे। अगर शासन इस पर भी हमारी मांग पूरी नहीं की तो हम सब पहले पूरे प्रदेश भर की पूरा अनिश्चितकालीन चले जाएंगे हम लोग। गर्मी भारी है बहुत ज्यादा। तो हाल तो और बुरा है, बहुत ज्यादा बुरा है, बस बदतर बहुत ज्यादा। आदमी मतलब इतना बदतर है कि पूछे मत। अब पता नहीं सरकार नारी मन की सुनी कि नहीं, कोई समझे? सुनते तो तुम्हारे मन के कहाँ सुना थे हमन के, जब हमन के सुनती तो यहाँ इतना का तकलीफ उठा कोई लग, मतलब शौक है का, इतना का शौक है का कोई लग जान से खेले के, मतलब तू प्रचार करत हो यहाँ, लेकिन मोर हाला ऐसे है जरा मैं सोच नहीं सकूं। ये मोर पर्सनल हाल है जो नहीं बता सको। उतने हाल में भी मतलब इतना कन औरत मन लेकर आए हैं, इला सरकार सोच सकत है, जनता सोच सकत है, पूरा प्रदेश के सब कोई सोच सकत है। और सरकार तो जगह जगह तुम्हारे मन के बीच जाते, भेंट मुलाकात जात तो है, हर रोज जाते है, अपने मन के बीच में वो तो बाहर है च नहीं है, लेकिन यही हाल तो है, एक मिनट नहीं छोड़ते हमारा, लेकिन यही हाल है, यही हाल है, यही हाल है। कहाँ से आए? हम लोग नवागढ़ ब्लॉक से आए हैं। बेमेतरा जिला? जांजगीर जिला। अच्छा, जांजगीर, जांजगीर जिला से आए हैं। तो जांजगीर जिला में जो है महन जी के इलाके में क्या हाल है? क्या हाल है? यही हाल है, जहाँ हमें हाल तो है सब जगह, हाल ही में सब हाल आए हैं। अभी तो बढ़िया बढ़िया काम आ गया, बालवाड़ी सब तैयार करना है आप ही लोग के। तो काम को बढ़ा रहे ना, तनख्वाह को भी तो बढ़ाए ना, वैसी इतना काम में अभी 2-3 साल पहले और हम लोग हड़ताल किए थे 51-52 दिन, उसमें भी हम लोग आश्वासन दिए, रोजी नहीं दे रहा है, रोजी नहीं दे रहा है, अभी तो कट करके 2200 जमा हुआ है हमारे वहाँ मानदेय। 2200 रुपया और रोजी कितना मतलब है? अब हिसाब लीजिए, 6,000 तो मिलते हैं, हिसाब लीजिए उसमें 6,500 तो काम 250-300 तो मिलता है, और क्या मिलता है, हम लोग कुछ नहीं मिलता। और काम काम तो बहुत ज्यादा है, हर चीज, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इसको करो, उसको करो, मारो सरो, सब सब काम हम ही लोग को बुला देते हैं, बस ना जी, वेतन है या नहीं है, इसीलिए तो मर रहे हैं धूप में, कितना धूप है तो आप काम है ना। अभी हम लोग कोरोना ड्यूटी कितने महीने, पूरा साल 2 साल तक
अभी ड्यूटी में किए हैं, सब अपने घर में घुस के बैठे थे। हम लोगों को नहीं पता कोरोना, उसमें पूरा 9 महीना हॉस्पिटल में बैठे बैठ के ड्यूटी किए हैं, उसका भी कुछ नहीं, कहीं से कुछ नहीं, राहत नहीं है, कहीं से कुछ राहत नहीं है। सरकार तो अभी आप लोगों तक पहुंच रही है भेंट मुलाकात के जरिए? पहुंच रही है सरकार, सुन रहा है, कुछ करेगा तब तो ना। काम बहुत ज्यादा है, रोटी तो सही रुपया नहीं है, काम बहुत ज्यादा है, पैसा 100 रुपया मिल रहा है रोजी, सहायिका मतलब सहायिका कितना है? 100 रुपया रोजी, 3,500 मिलते थे, 2,250 हम जमा हुआ थे, तो काय मिला थे बाकी पैसा पता नहीं अब का है, 2,250 में जमा होते नहीं, कट जाता है उसका जमा होता है, लेकिन वही है तकलीफ होने के बाद देता है, क्या बात है। क्या फोटो लेना है? नहीं नहीं नहीं, आपका नहीं ले रहे, ले लीजिए, बताना पड़ेगा ना कि आंदोलन में गए। अच्छा अच्छा, ठीक तो है, तो ठीक तो ले ले रहे हैं ना। और तुम क्यों आई हो यहाँ? अरे मैं मम्मी के साथ आई हूँ, समर्थन करने के लिए। और आप? जी मैं पूर्व सरपंच हूँ देवरी पंचायत का, धमतरी जिला, और इन लोगों का मांग जो है 30 साल से चल रहा है, शिक्षा कर्मियों का नियमितीकरण हो गया, 40,000 है, और इन लोगों का कार्यकर्ता का 6,000, एक ही डिग्री है, एक ही योग्यता है, इतना मतलब इन लोगों को धीरे दृष्टि से देख रहे हैं सरकार। रमन सरकार को भी वैसे किए थे, उसी तरह से भूपेश सरकार को भी ये लोग भगाएंगे, या तो विभाग को। आप क्या समर्थन करने आए? जी मैं समर्थन करता हूँ महिला माताओं बहनों का, क्योंकि ये लोग जायज मांग है, इन लोगों का जायज है जी, पूरे जिम्मेदारी यहाँ तक के कोई 9 में ये लोग 19 में ये लोग पूरे सहयोग दिए हैं, घर घर जाकर सूखा राशन दिए हैं, और यहाँ तक के जो वहाँ कंट्रेशन में थे उन लोगों का सहयोग दिए हैं, अपने जान के बाजी लगाकर जिस तरह के स्वास्थ्य कर्मचारी लोग दिए उसी तरह से इन लोगों का। आइए जरा पूछे कहाँ से आए? सर हम लोग बारह जांजगीर चांपा, सब जांजगीर वाले हैं। तो आप लोग क्या सहायिका है, कार्यकर्ता? एक कार्यकर्ता के लिए जो है क्या होना चाहिए? सर सबसे पहले तो हमें संतोषजनक मानदेय मिलना चाहिए, हम लोग दिन रात काम करते हैं। संतोषजनक में मतलब क्या है? कम से कम 12-15 हमें सैलरी मिलनी चाहिए सर, सुबह से लेकर हम लोग को रात तक काम दिया जाता है, जबकि शासकीय अगर कोई काम करता है तो सुबह 10 से लेकर शाम 5 बजे तक काम करता है, लेकिन हम लोग को सुबह से लेकर रात तक काम करना पड़ता है जी। मानदेय अभी कितना है? 6,500 सर जी, से बात नहीं बनेगी वहाँ, कहाँ बात बनेगी सर? अगर हम लोग गांव में काम करने जाएंगे खेत में भी तो 300 रुपए हम लोग को दिया जाएगा, और यहाँ 100 से 200 रुपए में हम लोग को काम लिया जाएगा। लेकिन काम तो ये वाला ज्यादा अच्छा है। कौन सा वाला सर? आंगनबाड़ी वाला। मान रहे सर काम अच्छा, लेकिन हम लोग को जितना काम करो उतनी सैलरी भी तो मिलनी चाहिए सर। तो बढ़ा होगा रमन सरकार से ज्यादा भूपेश सरकार? कुछ नहीं बढ़ा रमन सरकार और केंद्र सरकार का, जो बढ़ा 1,500 और 1,000 उसके बाद से कुछ नहीं बढ़ा, और लगे तो काम बढ़ गया लेकिन पैसा नहीं बढ़ा। भूपेश सरकार में कुछ नहीं बढ़ाया? कुछ नहीं बढ़ाया। क्या दे दे? सरकार ने जो अपने वादे किए थे उससे वो मुकर गई, इससे हम लोग उनसे बहुत नाखुश है। क्या वादा था? वादा ये था कि जैसे ही मैं शासन में आऊंगा जन घोषणा पत्र के अनुसार आप लोग का कलेक्टर दर करूंगा, और वो अपने इस वादे से मुकर गए, इसलिए हम लोग सरकार से अत्यधिक नाराज हैं। क्या था जन घोषणा पत्र में? कलेक्टर दर आप लोग को, कलेक्टर दर में मतलब कितना था होना चाहिए? कलेक्टर दर में हम लोग का 12,000 से 13,000 होना चाहिए था, वो अपने वादे से मुकर गई, वादा पूरा नहीं कर रही। नहीं नहीं, और तो सरकार तो खुद जो है पहुंच रही है आप लोगों के बीच भेंट मुलाकात में, धूप में, भीषण में, आप लोग यहाँ पे आने के भेंट मुलाकात में अपनी उपलब्धि देने के लिए, उनका जो योजना है ना हम लोग कैसे क्रियान्वित करते हैं, उनकी योजना को हम लोग पूरा टोटल क्रियान्वित कर रहे हैं, लेकिन हम उनका जो योजना है उनके क्रियान्वयन कर रहे हैं, लेकिन हमारे भी बच्चे है, हमारा भी जीवन है, हम लोगों को लिए भी तो चाहिए भाई, हमारे भी बच्चे पढ़ेंगे, उन लोग के लिए शिक्षा भोजन तो भी चाहिए, शिक्षा भोजन के लिए ही तो लोग जी रहा है क्या भाई, हमारा सबसे बड़ा मुख्य तो इंसान का क्या है, शिक्षा और भोजन, बच्चे रहेंगे तो है कि नहीं, तो उनके लिए अब उतने रुपए 6,000 और 3,000 में होता क्या है, आप बताइए आज के समय में। कहाँ से आई हैं? दुर्ग से। मैं तो सीएम साहब के इलाके से हूं, वहीं पे मिल लेना था, वहीं मिल लेना था, लेकिन हम लोग थे भी वहीं पे सीएम साहब, मिलने नहीं देते उनके जो रहते हैं ना उनके साथ वाले जो भी उनके भैया लोग, वो लोग बोलते हैं कि उनके पास अभी टाइम नहीं है। टाइम में नहीं मिल रहे हैं सीएम साहब? नहीं, हम
लोग बस यही चाहते हैं, मिले चाहे मत मिले हमसे सीएम, लेकिन हमें जो उनके जो वादे हैं और वो जो हम लोग 50 दिन हड़ताल किए थे और वो हमारे पंडाल में आके बोले थे कि मेरी सरकार आने पर मैं आप लोगों को कुछ दूंगा, और अपने घोषणा पत्र में ये कहे थे कि आप लोगों के लिए मैं कलेक्टर दर दूंगा, तो हम बस यही चाहते हैं हम जितनी भी कार्यकर्ता बहने कि हमें सिर्फ और सिर्फ कलेक्टर दर दे दे। शासकीय कर्मचारी के लिए बोला जाता है तो शासन से आता है कि आप लोग मानसेवी है तो शासकीय कर्मचारी नहीं हो सकते। शासकीय कर्मचारी ठीक है हम लोग नहीं हो सकते, लेकिन जब हम काम करते हैं जी, जब हमारे सारी योजनाएं हमें थोपा जाता है और अगर हम मना करते हैं तो बोलते हैं आप लोग शासकीय कर्मचारी हो तो ये काम आप लोग को करना पड़ेगा, और माँ जब पेमेंट की बारी आती है तो बोलते हैं कि आप लोग का पेमेंट नहीं बढ़ेगा, तो ये कहाँ का न्याय है। धूप ज्यादा है धूप, बहुत धूप है, इतना धूप में भूपे सरकार हम लोग को रोड में ला कर खड़ा कर दिए भैया। हाँ, हमारा वेतन नहीं बढ़ रहा है, 6,500 में हमारा क्या चलता है, घर के बाल बच्चा ठीक से पोस नहीं पाते हैं, आवाज इतना सुबह 9 बजे से 3:30 बजे तक के हम लोग को काम धरा दिए हैं, उसके बावजूद भी मेहनत कर करके अगर काम कर नहीं सकते उसके बावजूद भी वेतन नहीं बढ़ा रहे हैं हम लोग को, और आज हम लोग को जब तक हमारा वेतन नहीं बढ़ाएगा तब तक यहाँ धरना से हम हटेंगे नहीं। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको धरना स्थल से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का हाल, भीषण गर्मी के बीच किस तरह से जो है कार्यकर्ता आंदोलन करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं छत्ता लेकर के, और भीषण गर्मी में चटाई बिछा के, पता नहीं गर्मी का एहसास हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। जरा इनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं भाई कहाँ से आए ये बताइए। जसपुर से, जसपुर इलाके से। तो सीएम साहब तो आपके इलाके में भी जाने वाले हैं? जाने वाले थे लेकिन अभी गए नहीं है। तो आएंगे तो तुम लोग को आने की जरूरत ही नहीं थी, यहाँ आना पड़ा सर, हम लोग का मांग पूरा नहीं कर रहे हैं इसलिए आना पड़ा। तो उधर जो है अमरजीत भगत जी से कभी मुलाकात उधर इलाके में नहीं होती क्या आपके प्रभारी मंत्री? होती है सर, लेकिन ध्यान नहीं देता है कोई, कोई नहीं ध्यान देता है, इसीलिए तो हमको इतना धूप में आना पड़ा। और अभी आप लोग इतनी भीषण गर्मी में चटाई बिछा के, गर्मी नहीं एहसास नहीं हो रहा है गर्मी? लगता है सर, सबको धूप लगता है, गर्मी लगता है, लेकिन क्या करें, अपना मांग पूरा करने के लिए आना पड़ा ना। अब घर का चूल्हा चौका नहीं जलेगा तो हम कैसे करेंगे, 6,500 में 6,500 में किसी का घर चलता है क्या, बताइए। 6,500 में तो नहीं चलेगा, तो आप खुद बताइए ना हम क्या करें, तो मांग करना जायज है कि नहीं है? बिल्कुल जायज है, इसीलिए तो पहुँचे हैं। अरे ये छत्ता से कुछ काम चल जा रहा है? चल तो नहीं रहा है सर, लेकिन क्या करेंगे, करना पड़ता है, इससे ज्यादा कर भी नहीं सकते है ना। आइए जरा पूछ ही लेते, कहाँ ले आए, भारी खुश दिखा देते हैं बाकी। डगलिया ये रायपुर? हाँ रायपुर। अरे क्या करने की जरूरत है, जिन्हें घरे मरी तो अब तक हम तो क्या कर पाऊ, मम्मा के पेट नहीं भरे था। कम तनख्वाह में लेकिन ये मेरे सबले ज्यादा देने खुश तो ही दिखा था। हाँ खुश रहना पड़ते ना, दुखलत छुपा के। हाँ तभी तो संघर्ष हमारा नारी है, आगे हम लड़ाई है। अरे बाप रे, और बाकी जने लड़ाई का लेके आएगा, गर्मी कुछ बच्चे के उपाय क्या लेके आएंगे, सब कुछ तो है नहीं, परिश्रम करने आए, परिश्रम कर रहे हैं, अब ऐसी भी परिश्रम करने के लिए मांग करने आए भाई, जो हमारी कहाँ से आए? हम लोग जहांगीर जिला से, जहांगीर से, पामगढ़ ब्लॉक से। अच्छा पामगढ़ से जी, गर्मी में आ गए सब लोग, तो क्या करेंगे, अपने पेट के लिए मांग करने आएंगे, मांग रहे हैं भूपेश सर से, अब उसकी जिम्मेदारी है देना नहीं देना, सबको तो दे दिया, हम ही लोग को इतना हर समय हर विभाग में तो लगा देते हैं, लेकिन हम लोग को जो मांग करें उसको उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। ये क्या रखे, क्या रखे, चटनी बासी तो रखे, खाने की सब्जी रखे, रोटी रखे, खाएंगे बैठ के, खाने पीने की व्यवस्था लेके सारे। सरकार भी तो कह रही है कि गर्मी में बासी खाना ठीक है, तो बासी तो खाएं सर। हाँ। जो जैसे हम सरकार बोल रहे हैं उसको हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो हम मांग कर रहे हैं उसको सरकार नहीं कर रही, सरकार नहीं कर रही जो आप लोग कह रहे हैं। जो बहने बीच में ऐसे खड़े हुई है, और आप भी कहाँ से? जहांगीर से, अपने जगह पे दोनों साथ में हैं, साथी हैं, साथी हैं। आप भी चटनी बासी लाए? नहीं लाए तो नहीं है, यहाँ पर बैठे हुए साथ में है तो साथ में खा लेंगे जो मिला बांट के। इधर उधर आप लोग मत जाइए, और उधर जहांगीर में भी ऐसी गर्मी है? हाँ ऐसी गर्मी है, बहुत गर्मी है वहाँ भी, कहीं से कोई राहत नहीं है, सरकार से भी नहीं है और मौसम से भी नहीं है, मौसम से भी नहीं है, सबसे ऐसी गर्मी है, राहत किसी से भी नहीं है। आइए जरा पूछे कहाँ ले आए भैया, ईंधन के पैसा नहीं मिला थे, चार मिला थे मिला थे कैसा ले,
तो 5-6 महीना हो गया अबे नहीं कर रहे इंधन के पैसा हो कतका थे वो बतावे नहीं कर रहे मैडम मन है कि कतना के तुम कोई पता नहीं। अच्छा तो अभी काम बनत खाना बनाते ना अपन पैसा से अपन पैसा लगा के 1200 तो ये हो गैस चूल्हा जलान नहीं देते और गैस में बनाना है बोले थे आवत नहीं है पैसा होगा पैसा नहीं आते सर। कहाँ ले आए हो? छुरा से गरियाबंद छुरा। उधर क्या हाल है? सब वही हाल है। तनखा भी नहीं देते ना खाना बना कर लकड़ी नहीं देते ना सही ढंग से सामान नहीं देते। चलत कैसे आंगनबाड़ी चलात हन बहन जी मन कैसे करबे नहीं चलाबो तो नोटिस निकलही अपना पैसा लगा के चला रहे नहीं चलाबो तो नोटिस निकलही तनखा रोकी 2 दिन के 3 दिन के तनखा काटी और कैसे करबो बता सब तरफ ले मरना है सब तनिल मारना है थोड़ा था तहु कमात हन तहु दोनों बीच में है दोनों के बीच में है जिन्हें। अब आप कहाँ ले आए हो? निपनिया सेक्टर। ये इतनी भाटा पर है? पर आप बोला रेलवे स्टेशन वाले जो तनखा बराबर नहीं मिला जितने हमें वेतन देता है अगर सरकार को उतना वेतन दिया जाए तो चला लेंगे हर माह उतने वेतन में जितने हम चला रहे हैं उतने में क्या और चला लेंगे। सरकार चलाते हैं चलाते हैं ना तो क्या हम लोग जितना झोंक रहे हैं अपने हाथों में उनको अगर दिया जाए 4000 तो चला लेंगे क्या? 4000 में कहाँ सरकार चले या हम लोगों को 6500 वेतन दिया जा रहा है क्या महीना गुजर पाएगी हम लोगों का? क्या हमारे बच्चे नहीं हमारे परिवार नहीं है कोई नहीं है आगे पीछे उनको भी तो देखना पड़ता है 6500 में क्या पूरा चलेंगे क्या महीना भर निकाल कर देखेंगे सरकार अपना पूरा रोजाना का गुजारा अगर हो सकते हैं तो चलाए सरकार। और आप लोग आंगनबाड़ी चला रही हैं? हम लोग स्कूल चला रहे हैं घर चला रहे हैं सभी चला रहे हैं यहाँ तक कि आने जाने का खर्चा खुद हमारे पैसे से करते हैं कहाँ से करेंगे देंगे एक्स्ट्रा क्या नहीं बैठक के कुछ नहीं मिलता नहीं मिलता एक भी नहीं देता हम लोगों का यातायात का पैसा कभी नहीं मिला है सर्विस में 11-12 साल हो गए मुझे लगे अभी तक से भी नहीं मिला है हम लोगों को नहीं मिला है। अच्छा किसी से भी पूछ लीजिए आप। अच्छा आइए जरा जो है दीदी लोग से और बात करें अम्मा से बात करें कहाँ ले आए? आ रहा मिठी। अरे डहरिया जी के इलाका ले आए? हाँ डहरिया जी आपके इलाके में नहीं है? नहीं आए अभी। हाँ आए च नहीं है मंत्री जी? आए मंत्री अभी। हाँ तो मंत्री जी कुछ मदद कुछ नहीं करे आंदोलन के समर्थन वगैरह कुछ नहीं करे ये। हाँ कुछ नहीं बोले। आप सहायिका को कार्यकर्ता हो? कार्यकर्ता है। कितने साल हो गए? मोला 20 साल हो गए। 20 साल? हाँ 20 साल 22 साल कह दो। 22 साल में कतका तनखा बढ़ी? कतका बढ़ी से 22 साल में 438 रुपया देवत रही से तेले दे के 6500 हो बस और कुछ नहीं दे। हाँ तो अभी कई साल से नहीं बढ़े? अभी 2 साल से 4-5 साल हो गए नहीं बढ़े। जब से भूपेश बघेल आए ना तब से नहीं बढ़े है। बढ़ावो कहीं बोले रही से बढ़ाए भी नहीं है और अब जब मैं यहाँ पर शासन करूँ तब बढ़ाऊँ कहीं बोले रही सो भी नहीं कर पावा। 3.5 साल में एक भी बार? हाँ हाँ नहीं बढ़े है। नहीं बढ़े है ना बढ़ावे ही नहीं करे। 3 साल हो गए भूपेश बघेल बढ़ावे नहीं करे। पसीना किसी ने आत मोला बहुत आते भगवान छाया रखे भाई मतलब पसीना ने हम अतका दर्द में हन कि हम मतलब पसीना भी नहीं आ सकते पेट के भूख सबसे ज्यादा है। दर्द कम किसे हुई? जब तक सरकार हम मतलब कलेक्टर दर नहीं दी तब तक दर्द कम नहीं हो। वो अपन कम से कम जिन घोषणा पत्र में दे वो तो पूरा कराए हम ओकर से कोई एक्स्ट्रा नहीं मांगत हन ना हम सरकारी जब तक शासकीकरण नहीं हो है तब तक हमला कलेक्टर दर दे काबर वो तुरंत के रिसे जब तक हम जब हमारी सरकार आई तो हम तत्काल के मतलब का होते वो सरकार ही जाना है। तत्काल के मतलब 3.5 साल और बड़ी लगते मतलब 5 साल हाल हार गए तो गे हाल अभी कुछ नहीं। अब वो सरकार देख रहे हमारी संख्या अटका है तो हमारे परिवार के संख्या हमारे समूह के संख्या और हमारे जान पहचान के संख्या का हो ही वो आने वाला चुनाव में अगर हमारी मांग पूरा नहीं करा थे तो फिर वो सोच ले आगे वो का कर ही तेल सीधा चेतावनी डायरेक्ट चेतावनी डायरेक्ट। हाँ
संविधान में महिला मन ला 50% दे बराबर के अधिकार दे है, लेकिन शासन अगर हमन ला समान वेतन और समान काम देतीस तो हमारे हालत नहीं रहतीस। तो वो हमारे 50 दिन हड़ताल कर रहे तबो आके ही पंडाल में बोले रही से कि अगर हमार सरकार बनी तो हमन तत्काल आप मन के मांग ला पूरा कर दे। आज 3.5 साल हो गए और कहाँ कलेक्टर दर गए कुछ 500 तक ला नहीं दे। तो हमार मांग है कि नियमितीकरण नहीं करे, सरकारीकरण नहीं करे तो मत करे ना, हमार कलेक्टर दर ला दे दे, अपन जन घोषणा करे तेने दे दे। यही चाहते हैं शासन से, नहीं तो पूरा पंडाल भरे इसने 5 दिन के हड़ताल के बाद पूरा निश्चितकालीन में चल देबो। पिछले साल रमन सरकार के इसने हमन हड़ताल कर करके पाँव पर कुछ नहीं दी, कुछ नहीं करी। अगर सरकार के सही नीति और सही नियत रही तो वो जरूर दी, ओकर नियत सही रही बिल्कुल हमार मांग ले पूरा करी। यही आशा के साथ आज हड़ताल करे हैं। तो सरकार की नियत तो अच्छा है, ये सरकार के कहना है। तबे गांव गांव जाते, भेंट मुलाकात करते, चौपाल लगाते, तुहार मन से भी गोड़ बात करते। अगर ओकर नियत सही रहती आज 3.5 साल हो गए, हम अल्लाह हमार मांग ला पूरा कर देती, हम अल्लाह रोड में उतरे चले नहीं पड़ती। हम सोचे हम कोई हड़ताल नहीं करन, हमार बिना हड़ताल करे हमार मांग ला पूरा कर दी कह के, लेकिन ऐसे कुछ नहीं करी। तीजा पोलम भी हम भूखे प्यासे हड़ताल करें, कोई भी हमार मांग ला पूरा नहीं करे। जब तक हमार कलेक्टर दर नहीं करी तब तक अब हमार संघर्ष जारी रही। तीजा के घलो अभी तक जिन्हें वो सौगात नहीं मिले, कुछ नहीं मिले सर। हमार तो कलेक्टर दर मांगे है, आज पूर्व सरकार भी हमार कलेक्टर दर मांग ला पूरा नहीं करी और जे नहीं देना सरकार हमार मांग ला पूरा नहीं करी। तो हाल सबके बेहाल है। जिंदगी जिया अच्छा से खा, हमरो मन के संस्कार हुआ बच्चा मन के कहे, लेकिन हमार मन के बच्चा के ना तो भविष्य देखाते ना तो हमार मन के देखाते। बस हमार ला झुलाना है, भूखे प्यासे होकर काम करना है और कुछ नहीं करना है। और कुछ तो हमार ला मिलना नहीं है, बस एक काम बस होना चाहिए तन किसी काम हो मत हो। तो हम वाला चीज चाहिए कि हमरो बच्चा मन के लिए अच्छा संस्कार मिला, हम मन अच्छा से कमाते हैं दो वक्त तक रोटी हमार बच्चा मन ला खिला सकन कि नहीं, कि नहीं देना चाहते। चलत कैसे अभी आंगनबाड़ी काम है शासन के, ऐसे कोई काम नहीं हो ही शासन के जल नहीं करे हो। चाहे कोरोना काल में ड्यूटी हो, कई बहनी तो के पूरा घर परिवार उजड़ गए, फिर भी अपन जान ला जोखिम में डाल के हमारे पूरा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनी एक घर पहुँच के पूरा सर्वे करके सही जानकारी दे। एक बावजूद भी न हमला कोई अंशदान मिली, न हमला शासन है कुछ भी दिस। चाहे सर्वे काम हो, चाहे बेलो ड्यूटी हो, चाहे खोरवा लुलवा के सर्वे हो, सब सर्वे हमीच मन करथन तब हमन ला आज तक कुछ नहीं दिस। अब सरकार के बारी है, सरकार के बारी है और छत्तीसगढ़ में शासन ला राज करना है। तो निवेदन है सरकार से कि हमार मांग ला पूरा कर दे, जिन आंगनबाड़ी के हित में काम करी वो छत्तीसगढ़ में राज करी, जिन आंगनबाड़ी के हित में काम करी वो छत्तीसगढ़ में राज करी। ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तरफ से निवेदन के, ये चेतावनी के, ये जो भी समझना है वो समझ सकती है सरकार। सरकार ने जो वादा किया था वो वादा तो पूरा होना चाहिए। अब देखिए 1.5 साल का वक्त सरकार के पास है, वो अपने वादे को किस हद तक पूरा कर पाती है ये वक्त ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल भीषण गर्मी के बीच में जिस तरह से छत्तीसगढ़ जो है तप रहा है, वैसे ही जो है संघर्षों के बलबूते पर प्रदेश भर के हजारों जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है और सहायिकाएं तप रही है इस इंतजार में कि शायद तपन का जो है वो कुछ लाभ, कुछ असर अच्छा हो और सकारात्मक रूप से उनके पक्ष में कोई निर्णय हो। फिलहाल तो हाल बेहाल है। आज के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।